एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। ये है हेमकुंड साहब यात्रा का पांचवा भाग और हम लोग इस भाग में कवर करेंगे कि किस तरह से आप उतर कर नीचे आ सकते हैं। शुरू के 3 किलोमीटर और लास्ट के 3 किलोमीटर, पहले 3 किलोमीटर स्नो कवर्ड ट्रैक पर है और लास्ट के 3 किलोमीटर बिना स्नो वाले ट्रैक पर है। ये शानदार एक्सपीरियंस होने वाला है और मैं आपके साथ एक खुशखबरी भी शेयर करने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए पूरा एपिसोड, अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें। लीजिए, थोड़े से एफर्ट, थोड़ी हिम्मत के बाद मैं बहुत नज़दीक हूँ अपनी मंजिल के। यहाँ जाके सीढ़ियाँ ख़त्म होती है, नॉर्मल ट्रैक है। यही वो जगह है जो इंटरसेक्शन है उस ट्रैक का, जो उस तरफ से होते हुए लोग भीड़ में पूरा कर रहे हैं, और ये सीढ़ियों वाला है। इस जगह से ही दोनों ट्रैक आपस में मिलते हैं। कुछ लोग सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं, और कुछ इस ट्रैक के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर लेना चाहता हूँ। पहली चीज़, यहाँ हर मौसम में बर्फ़ रहती है। फैसिलिटी है, हर 1 किलोमीटर के बाद आपको एक एक शॉप मिलती है, लेकिन लास्ट के 3 किलोमीटर ऐसे हैं या जहाँ पर वो बता रहे थे कि आप पहुँच सकते हो, पर हमें 7 घंटे लगे क्लाइम करने में। उसके बाद हम प्लान करें तो आइए करिए, घबराना नहीं है, ये डूएबल ट्रैक है। ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 मैं इसको 7 दूंगा। चढ़ने में हिम्मत लगती है, ताकत लगती है, लेकिन इस तरह के रास्ते की वजह से जो आप देख रहे हैं ना, ये खूबसूरती जो यहाँ दिखती है उसका कोई जवाब नहीं है। और जैसे हम नीचे पहुँचे तो जो ऊपर बहुत तेज़ बर्फ़ पड़ रही थी वो अब नहीं है, कोई बर्फ़ नहीं है, अब मौसम सुहाना हो गया, आप आराम से चल के जा सकते हो। देखिए पहाड़ के एकदम ऊपर आपको जी सीधे उतरने के बाद जब दोनों रास्ते जाम मिलते हैं, उसके बाद का रास्ता कुछ इन दिनों इस तरह से है। तो सुना है आने वाले टाइम में ये बर्फ़ पिघल जाएगी, ये सीढ़ियाँ हैं नीचे यहाँ, तो आपको बिल्कुल वैसे ही रास्ता मिलेगा जैसे सीढ़ियों पर होता है। रास्ता बंद हो जाएगा। लीजिए अपडेट एक और आ गया। ठीक है जनाब, जब वापस बर्फ़ गिरेगी फिर से रास्ता बंद हो जाएगा, अगले साल फिर खुल और जाएगी। क्या यही चलता रहेगा। अगर आप अगले कुछ दिनों में आने का सोच रहे हैं तो थोड़ा तैयारी करके आएगा, शूज़ प्रॉपर लेके आइए। अगली बार तो भाई अगर जब बर्फ़ हुई तो थोड़ा लेट ही लेट आएंगे और सामान लेके आएंगे अपना। मैं कैमरा से बात कर रहा हूँ। अगर आप इन दिनों आने का सोच रहे हैं या अगले 10-15 दिन में भी, तो ये बर्फ़ यहाँ ऐसे ही रहने वाली है, क्योंकि जब भी नीचे बारिश होती तो यहाँ स्नोफॉल के सिचुएशन बन जाती है। तो थोड़ा प्रिपेयर करके आएगा, शूज़ प्रॉपर हों आपके, सॉक्स एक्स्ट्रा कैरी करिए, और वाटर प्रूफिंग का प्रॉपर सिस्टम रखिएगा, बिकॉज ग्लव्स आपके हाथ में हों, और साथ में ये रेनकोट। अच्छा, ये वाला रेनकोट जो हम लोगों ने लिया ना, यहाँ मार्केट में लोकल मिलता है 40 रुपीज़ में, बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, मत लीजिए। एक अच्छा रेनकोट लेकर आइए, हो सके तो 2 पीस में लेके आइए, एक लॉन्ग में उतना इफेक्टिव नहीं है, और बैक को अपने वाटर प्रूफ करने के लिए अलग से ऑप्शन है कुछ है, लेकिन बर्फ़ कितनी है इस वक्त। ट्रैक पे नीचे उतरना हमेशा आसान ही होता है, पर मुश्किल भी होता है अगर स्लिपरी है तो। जैसे हम लोग जब सीढ़ियाँ उतर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो वो बहुत स्लिपरी थी, बहुत मुश्किल था उस जगह से नीचे उतर के आना। और देखिए इस जगह पर जहाँ मैं अभी हूँ, यहाँ रेन हुई है तो स्लिपरीनेस एकदम ख़त्म है, क्योंकि गीले पत्थर पे आप उतनी जल्दी स्लिप नहीं करते जितने सूखे और रेतीले पत्थर पे करते हैं। जब हम जा रहे थे तब ऐसा हो रहा था, इस जगह पे मिट्टी पड़ी हुई थी इन्हीं पत्थरों के ऊपर, पर अब वो मिट्टी भीग गई है, इकट्ठी हो गई है अलग अलग जगह पे, तो कोई स्लिपरीनेस नहीं है इस वक्त। और आप अगर इस तरह के ट्रैक को ही यूज करेंगे, इस तरह के शॉर्टकट नहीं मारेंगे जो हम क्लाइंब करते हुए कर रहे थे, ये सब हमने शॉर्टकट लिया, तो आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आपको थकान भी नहीं है। आराम से चलिए इन खूबसूरत पहाड़ को निहारते हुए। ये देखिए कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, ये स्नो है, यहाँ आप स्कीइंग तक कर सकते हैं मुझे ऐसा लगता है, और ये ग्लेशियर्स नीचे हैं, और वो बहती हुई नदी जो ग्लेशियर के पानी को अपने साथ लेकर मंदाकिनी में मिलाती है, और वो है जो ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, वो है जगह जहाँ घाघरिया जिसे कहा जाता है, और घाघरिया में ही हमारा स्टे है। इस पूरे ट्रिप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने बहुत कम खर्चा किया, और अगर आप फॉलो कर सकते हैं उसको तो आप भी कम खर्चे में यहाँ पहुँच सकते हैं। अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, पहला टास्क है दिल्ली या चंडीगढ़ से आपका देहरादून या ऋषिकेश पहुँचना। नॉर्मली
₹250 में देहरादून और करीब करीब ₹50 और ऐड कर दीजिए तो ₹300 में आप ऋषिकेश पहुंच जाते हैं। ऋषिकेश से आपको आना है जोशीमठ। जोशीमठ का जो किराया है वो ₹550 का है बस में। अगर आप टैक्सी करते हैं तो वो आपसे ₹900-1000 की रेंज में डिमांड करते हैं, तो वो दूसरा तरीका है। तो एक बार आप जब आप जोशीमठ पहुँच गए उसके बाद आपको बस या फिर शेड कैब ये मिलेगी जो बद्रीनाथ के रूट की तरफ जा रही है, तो आप उसमें ज़रूर उसमें बैठिए और ये आपको ड्रॉप करेंगी एक डाइवर्जन पर जो कि जाएगा हेमकुंड साहब की तरफ। अगर आप उस रोड पे सीधे निकलेंगे तो लेके जाएगा बद्रीनाथ, पर एक राइट डाइवर्जन है वहाँ पर ही सारी टूरिस्ट की गाड़ियों को पार्क किया जाता है बिकॉज आगे ट्रैफिक जाम ना हो। तो करीब करीब 4 किलोमीटर पहले सारी गाड़ियों को पार्क कर दिया जाता है, सिर्फ पैदल यात्री और टू व्हीलर्स को ही अलाउ किया जाता है पहुंचने के लिए उस जगह पे जहां से ये ट्रैक शुरू होता है। बाइक से आ रहे हैं तो बाइक की पार्किंग उस जगह पर है जहां से आपका पैदल ट्रैक शुरू होगा। टैक्सी सर्विस है, जो लोग पैदल नहीं चलना चाहते इस 4 किलोमीटर के डिस्टेंस को उनके लिए ऑप्शन ये है कि आप टैक्सी में बैठिए, ₹100 दीजिए और हेमकुंड साहब के ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाइए। अब आप पहुँच गए, टोटल खर्चा आप करिएगा कितना हुआ। ये बद्रीनाथ वाला जो रूट है ये आपसे ₹200 डिमांड करेगा, 300 भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि रूट क्या है। तो इस तरह से आप आए पहले जोशीमठ, जोशीमठ से यहाँ तक। तो टोटल जो खर्चा इस वक्त मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, आपने खर्चा किया सबसे पहले ₹300 ऋषिकेश, ₹900 जोशीमठ ऋषिकेश से, तो हो गया 300, 600, 900, और 900 के बाद बद्रीनाथ तक आपने फिर ₹300 खर्च किए, बद्रीनाथ की गाड़ी ली और इस तरफ के रूट तक, तो हो गया आपका ₹1200। उसके बाद जब आप ₹100 में गाड़ी लेंगे स्टार्ट पॉइंट तक तो हो गया ₹1300। तो ₹1300 में आप पहुंच गए स्टार्ट पॉइंट पे जहां से हेमकुंड साहब का ट्रैक स्टार्ट शुरू होता है। फिर आपका अगला टारगेट है पैदल चल के घाघरिया पहुँचना। पैदल चल रहे हैं तो कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ आपको खाने पीने का ही खर्चा करना होगा, तो थोड़ा सा कॉस्टली है यहाँ पर कुछ भी खाने पीने का सामान, जैसे कि पार्ले जी का बिस्किट ₹15 का 10 की जगह, मैगी आपको ₹40 की, चाय आपको ₹20 की, और इस तरह से अलग अलग आइटम के अलग अलग रेट ये मिलेगा। तो यहाँ खाना कॉस्टली है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे खाना और कॉस्टली होता जाएगा। एक मैगी ₹80 तक जा सकती है, चाय ₹30 या ₹40 तक जा सकती है, कॉफ़ी ₹50 में मिलेगी आपको, तो ये अलग अलग रेट हैं। और पैदल चलते हुए आप पहुंचेंगे घाघरिया। घाघरिया का डिस्टेंस हुआ आपका 11 किलोमीटर स्टार्ट पॉइंट से। वहां पर आपको रहने के अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, आप रूम ले सकते हैं ₹1000 में, या फिर गुरुद्वारे में आप रुक सकते हैं। मेरे हम लोगों को फ्री में ही वहां रुकने को मिला, एक डॉर्मेट्री है उसमें ज़मीन पे गद्दा लगा करके, और दो दो ब्लैंकेट हमें दिए गए। सो उसका कोई पेमेंट नहीं था, बस आप अपनी इच्छा से जो पर्ची कटवाएंगे वही है। लंगर आपको वहाँ मिल जाता है, चाय का लंगर आपको मिल जाता है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो ये टेक्निकली हमने सिर्फ पर्ची कटाई है ₹200 की 3 लोगों के लिए। हम गुरुद्वारे में रुके, खाने का जो बाहर का खर्चा है वो भी कम ही है। तो मोटा मोटा अगर मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ ट्रैवल का हेमकुंड साहब तक का टोटल, ये बनता है ₹1500 का। सिर्फ ₹1500 में आप हेमकुंड साहब पहुँच गए इन खूबसूरत वादियों में। खाने पीने का तो आपकी मर्जी है, आप किस तरह से भी है आ कर सकते हैं, कितना सिंपल है इस तरह के ट्रैक पे आना। ये देखिए, ये जो नीचे आपको ब्लू कलर की शॉप्स दिख रही है ना, ये ट्रैक घूमता हुआ जहाँ जा रहा है, वहाँ से 3 किलोमीटर रह जाएगा घाघरिया। तो 3 किलोमीटर हमें और चलना है और वहाँ 3 किलोमीटर हम कंप्लीट करेंगे, तो 3+3 6 किलोमीटर का है टोटल ट्रैक घाघरिया से हेमकुंड साहब का। ग्लेशियर्स आपको नीचे ही दिखने शुरू हो जाएंगे, जबकि जून का महीना है फिर भी देखिए, और ये फ्रेश स्नोफॉल जो होके हटा है इसने खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। अगर आप रिसेंट दिनों में यहाँ आने का सोच रहे हैं, जब तक मैं ये वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँगा मुझे 5 या 7 दिन लगेंगे, तब यहाँ आपको स्नो इसी तरह से देखने को मिलेगी। और बरसात का सीज़न शुरू हो चुका है उत्तराखंड में, तो रेन प्रोटेक्शन का आपको पूरे से अच्छे से प्लानिंग या तैयारी करके आना बहुत ज़रूरी है। जितना
चीज़ें आप ला पाएंगे रेन प्रोटेक्शन के लिए, ये मत लाइएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ इस चीज़ को, ये मत लाइएगा। ये देखिए हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, ये देखिए खूबसूरत। जाते हुए ये लास्ट शॉप है और आते हुए ये पहली शॉप है। नॉर्मली जितने भी लोग हैं वो इसी शॉप पर रुक कर यहाँ पर खाना खाते हैं। यहाँ पराठे भी मिलते हैं खाने के लिए और ऑमलेट और बाकी चाय और कॉफ़ी भी मिलती है। ये है वो शॉप जहाँ बैठकर मैंने अपने ग्रुप का करीब 2 घंटे तक इंतजार किया, क्योंकि वो ह्यूमन ट्रैफिक जाम में फंस गए थे और बाद में 2.5 घंटा वेट करने के बाद भी मुझे खुद उन्हें छोड़कर आगे निकलना पड़ा क्योंकि 5 घंटे लेट थे वो मुझसे। आप यहाँ से नज़ारा देखिए, इस व्यू को एंजॉय करिए और मैं निकलता हूँ आगे की तरफ, बने रहिए। सुबह को जब मैं इसको क्रॉस करके निकल रहा था तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि सुबह 5 बजे का टाइम था और इतने अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कैमरा में, पर आंखों से हम उसको देख पा रहे थे। इतना खूबसूरत झरना बह रहा है और ये एक ग्लेशियर है देखिए पूरा, और इसके नीचे से पानी निकल के बहता है। कल हम जिस नदी के किनारे चल रहे थे और हम बोल रहे थे मिल्की स्ट्रीम, राइट, एक कुछ लोग उसको दूध सागर भी बोल रहे थे, तो वो यहीं से निकलता है। जब स्नो मेल्ट होता है ऊपर तब ये पानी निकलता है इस तरह से। आपको जो वाइट कलर का पानी मिलेगा ना जहाँ जहाँ पर, तो नॉर्मली उस एरिया में होता है जहाँ पर स्नो मेल्ट होती है। जैसे जैसे ये मैदान की तरफ बढ़ता जाता है तो अलग अलग कलर इसमें आने शुरू हो जाता है। अभी आप देखिए दूध जैसा नहीं लग रहा आपको, और आगे नदी में बहते हुए भी ऐसा ही लगता है। कमाल की जगह है। बारिश फिर से शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी, पर मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, हार्डली 500 मीटर रह गया अभी। तो मैं एक बार गुरुद्वारे जाने वाला हूँ पर मुझे पहले फ़ोन करना है। बने रहने के धन्यवाद। ये था आखिरी एपिसोड हेमकुंड साहब यात्रा का। मिलते हैं वैली ऑफ फ्लावर की सीरीज में। थैंक यू सो मच वंस अगेन।